यात्रा पहला कदम नहीं है। इस दिशा में 1981 में आरंभ हुआ था एक नया अभियान अहिंसा सार्वभौम, जिसके तहत लाडमू, राजसमंद और सरदार शहर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। 1992 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद जैन विश्व भारती के परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया भर के अनेक शांतिकर्मी एकत्रित हुए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जोहान गार्डुन, हवाई विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री डॉक्टर ग्लेन डी पेज एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा एवं आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ के बीच वार्ताएं हुई। भले व्यक्ति हो भले समाज हो, जब तक अहिंसा जैसा तत्व जीवन में नहीं आएगा तो न व्यक्ति सुखी होगा न समाज सुखी होगा। सुख शांति हिंसा से मिल नहीं सकती। इसी क्रम में अहिंसा समवाय मील का पत्थर साबित हुआ। बाल विजय भाई की कमान एवं आचार्य महाप्रज्ञ के निर्देशन में सुदूर पूर्वांचल उग्रवादी इलाकों में अहिंसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए। दिल्ली में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में पोप जॉन पॉल और शंकराचार्य के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ की गरिमापूर्ण सहभागिता रही। यदि धार्मिक लोग पर्यावरण, अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद आदि हिंसक समस्याओं से विश्व को मुक्त करने के लिए एक मंच पर बैठकर सहचिंतन करें तो हमारा विश्वास है कि विश्व की जीवन शैली शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रभावी हो सकती है। महोदय, क्या हम ऐसे मंच का निर्माण कर सकते हैं जहां हम एक साथ बैठकर धर्म के क्षेत्र में उठने वाले विवादों तथा हिंसा से उपजने वाली समस्याओं का अहिंसात्मक समाधान खोज सकें और जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें? जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता, जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं करता, आत्मा का ध्यान और चिंतन तो आप लोग हमारे महाप्रज्ञ मुनि जी से निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, और मैंने इस बात को स्वीकार किया आकर के इनके दर्शन के बाद कि महाप्रज्ञ मुनि जी इस काल के महान युग पुरुष है जिनके द्वारा धर्म की रक्षा हो रही है, और ऐसे धर्म रक्षक मुनियों के संपर्क में रहने का सौभाग्य जो हमको मिला, मैं उसके लिए अपनी आत्म प्रशंसा करता हूँ। बढ़ती हिंसा को देखकर आम आदमी दुखी है तो राजनेता चिंतित, हैरान, परेशान। आखिर इस बढ़ती हिंसा को रोकने के उपाय क्या हो? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। इसका उत्तर तलाशने के लिए वे पहुँचते हैं आचार्य प्रवर की शरण में। चिंतन के क्षेत्र में तो हमने बड़ी ऊंची उड़ानें उड़ी हैं, बड़ी ऊंची उड़ानें भरी हैं, मगर व्यवहार की जमीन पर हम बार बार ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है एक रोशनी के लिए। ये बात अलग है कि हम उस रोशनी में अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, और हमें आचार्य श्री जैसे चिंतकों की आवश्यकता है जो ये स्पष्ट करें कि क्या केवल व्यक्ति को बदलने से समस्या का समाधान हो सकता है या व्यक्ति और समाज दोनों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में बार बार आती है और जिसके लिए मैं जैन मुनियों को बहुत मानता हूं वो है अहिंसा। आपने बहुत मजहब देखे होंगे, बहुत मजहबों के बारे में पढ़ा होगा। सिर्फ जैन मजहब, अगर मैं उसको मजहब कह सकूं, एक ऐसा है जिसमें जीवन को इतनी अहमियत दी गई है कि किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना पसंद नहीं किया गया। इस्लाम में काफिर को मारा जाता है, क्रिश्चियनिटी में नॉन क्रिश्चियंस को मारते हैं। हमारे धर्मों में भी आप देखिए आपसी लड़ाइयां और खूनरेजी होती है और उसको हम
जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक मजहब ऐसा है कि जिसमें जिंदगी को इतनी अहमियत दी गई है कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पतंगा हो, चाहे वो रेंगती हुई एक मामूली हस्ती क्यों ना हो, उसका पालन किया जाता है। जिस रोज ये सबक हमारे दिल में बैठ जाएगा कि हमारे हाथ हिंसा के लिए न उठें, हमारे हाथों से किसी की मौत न हो, हमारे हाथ से किसी का गला न घुटे, वो दिन होगा जब आप देखेंगे इंसान में एक तब्दीली आएगी। जो हिंसा का प्रचार हो रहा है, जो दुराचार का प्रचार हो रहा है, जो अशांति फैल रही है, उसके कारण जो पर्यावरण दूषित होता है, उस दूषण को, उस प्रदूषण को कौन दूर करेगा? मैं शासन में हूं और शासन में होने के कारण मेरा यह दायित्व है कि अगर कोई हिंसा करे, कोई अपराध करे, तो उस अपराधी को दंडित करने की व्यवस्था करो। लेकिन अपराध प्रवृत्ति जन्म न ले सके, कोई अपराध करे ही नहीं, इसका प्रबंध शासन नहीं कर सकता। इसका प्रबंध या तो शिक्षा करेगी, या तो फिर संस्कार देने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे संत करेंगे। शस्त्रों की होड़ रुके, दिन लोहू में डूब चुके, अब शस्त्रों की होड़ रुके, सुख समृद्धि के हेतु सखे विश्व शांति की ओर झुके। अहिंसा की डगर पर विश्व का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं। सबके पर चिन्ह अनमोल है, जियो और जीने दो सबको यही धर्म के।